तो दोस्तों कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस की कैमरा परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग है, दोनों ही बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी पर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों में ही रेयर पर आपको मिलता है डुअल रेयर कैमरा सेटअप। Y56 5G में आपको रेयर पर प्राइमरी कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 1.8, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। फ्रंट पर यहाँ आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है 2.0। ओप्पो K10 की बात करें तो रेयर पर प्राइमरी कैमरा है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 1.7, इसके अलावा यहाँ भी 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। फ्रंट पर यहाँ आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका भी अपर्चर साइज है 2.0। कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है रियर और फ्रंट दोनों के लिए, इसके अलावा नाइट मोड भी दोनों में दिया गया है। ये हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि प्रो मोड, पैनोरामा मोड, इसके अलावा स्लो मोशन का फीचर, ये आपको दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फुल एचडी तक का वीडियो आप दोनों ही डिवाइसेस से रिकॉर्ड कर सकते हो, बट वीवो Y56 में आपको 60fps का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि आपको ओप्पो K10 में देखने को नहीं मिलता। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हैं कुछ कैमरा सैंपल्स जो मैंने दोनों ही डिवाइसेस से कैप्चर किए हैं। ऑटो मोड पर आपको दोनों से ही मिलता है 12 मेगापिक्सल का फोटो। सबसे पहले कलर टोन की बात करें तो ओप्पो K10 में आपको ज़्यादा पंची कलर्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू वीवो Y56, और इसी वजह से ओप्पो K10 के फोटोज़ ज़्यादा बेहतर लगते हैं Y56 के कंपैरिजन में। डिटेलिंग की बात करें तो दोनों से ही ऑटो मोड पर 12 मेगापिक्सल का फोटो देखने को मिलता है, बट Y56 के फोटोज़ में आपको ज़्यादा बेहतर डिटेलिंग देखने को मिलेगी K10 के कंपैरिजन में। कुछ फ़ोटोज़ मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस से भी लिए हैं, डायरेक्ट सनलाइट में भी फ़ोटोज़ लिए हैं, और दोनों ही डिवाइसेस में एक्सपोजर लेवल काफ़ी बैलेंस कैप्चर होता है। दोनों ही डिवाइसेस में काफ़ी अच्छी डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है। जो मेन डिफरेंस है वो डिटेलिंग और कलर्स का ही रहेगा। पर्सनली मुझे ओप्पो K10 के फ़ोटोज़ ज़्यादा बेहतर लगे। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो Y56 में आपको एज डिटेक्शन उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता जितना एक डिवाइस में होना चाहिए, या फिर K10 और इनको आपस में कंपेयर करें तो K10 में अच्छा एज डिटेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा Y56 में आपको मिलते हैं एकदम शार्प पोर्ट्रेट मोड के फ़ोटोज़, वहीं ओप्पो K10 में थोड़े से सॉफ्ट इमेज देखने को मिलती है। इसके अलावा स्किन टोन की बात करें तो वो ओप्पो K10 की थोड़ी सी बेहतर लगी Y56 के कंपेरिजन में। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर वीवो Y56 मुझे ज़्यादा बेहतर लगा ओप्पो K10 के कंपैरिजन में। लो लाइट में ओप्पो K10 में कलर्स एकदम वॉश आउट नज़र आते हैं, नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दोनों ही डिवाइसेस में नाइट मोड भी दिया है, और नाइट मोड वीवो Y56 का वाकई काफ़ी कमाल का है, एकदम अमेजिंग परफॉर्मेंस यहाँ नाइट मोड पर देखने को मिलती है, जबकि ओप्पो K10 पर ऑटो मोड और नाइट मोड में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल अगर नाइट मोड की बात करें या फिर लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो वहाँ Y56 पूरी तरह से K10 को बीट करता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फर्स्ट इंप्रेशन में आप देखिए कि आपको कौन सी सेल्फी ज़्यादा पसंद आती है। पर्सनली मुझे यहाँ ओप्पो K10 की सेल्फी ज़्यादा बेहतर लगी, हालांकि ओप्पो K10 से भी आपको नेचुरल सेल्फी देखने को नहीं मिलती, वाइट स्किन टोन देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी दोनों को आपस में कंपेयर करें तो K10 से जो सेल्फी मिलती है उसे आप डायरेक्ट सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो। हालांकि डिटेलिंग के मामले में यहाँ भी Y56 ओप्पो K10 को बीट करता है, लेकिन स्किन टोन, ब्यूटी इफेक्ट, इसके अलावा बाकी के अगर अदर चीज़ों को देखें, फ्रंट कैमरे के पोर्ट्रेट मोड के एज डिटेक्शन को देखें, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में फ्रंट कैमरे में मुझे यहाँ K10 ज़्यादा बेहतर लगा Y56 के कंपैरिजन में। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये है दोनों ही डिवाइसेस के रियर कैमरे से रिकॉर्ड किया गया एक फुल एचडी का वीडियो सैंपल। सबसे पहले कलर्स की बात करें तो सेम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जो ऑटो मोड पर आप देख चुके हो। K10 के वीडियोस में आपको ज़्यादा पंची कलर्स देखने को मिलेंगे Y56 के कंपैरिजन में। हालांकि शार्पनेस या डिटेलिंग की बात करें तो यहाँ Y56 अगेन K10 को बीट करता है। डायनेमिक रेंज आपको दोनों में ही काफ़ी कमाल की देखने को मिलती है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा ऑटो फोकस स्पीड की बात करें तो वो Y56 की ज़्यादा बेहतर है। स्टेबलाइजेशन में आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों का ही स्टेबलाइजेशन काम चला हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल जो मेन डिफरेंस रहेगा वो कलर्स और डिटेलिंग का ही रहेगा जो ऑटो मोड पर आपको देखने को मिला। तो यही था Y56 और K10 के बीच एक कैमरे का कंपैरिजन। ना तो पूरी तरह से K10 Y56 को बीट करता है, ना Y56 K10 को, कहीं K10 ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, कहीं Y56। तो अपने यूज के अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से कौन सा कैमरा आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।